हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट गनाटी शिमला। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू कैरी सर्वर इन दी रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के अंदर या आप किसी भी होटल के अंदर जब फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर एज एसोसिएट के रूप में या वेटर्स के रूप में जब भी काम करते हैं तो आपको किस तरह से अपनी सर्वर को कैरी करना है या किस तरह से होल्ड करना है, तो ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहे और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू कैरी सर्वर इन दी रेस्टोरेंट, कि रेस्टोरेंट के अंदर आपको सर्वर को किस तरह से कैरी करना है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी सर्वर है वो लगभग इस तरह से दिखती है, बिल्कुल राउंड शेप में होती है और उसका जो साइज होता है वो अलग अलग साइज की आजकल आपको सर्वर मिल जाएगी हर आउटलेट में। अब किसी भी होटल्स में आप देख सकते हैं कि जो सर्वर का साइज है वो अलग अलग होता है। तो जब भी आप इसको कैरी करते हैं तो किस तरह से इसको कैरी करना है, तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो फ्रेशर्स होते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर वो अपनी सर्वर को इस तरह से कैरी करते हैं जो देखने में बहुत ही अजीब लगता है। और वो लोग जाकर गेस्ट की टेबल्स में रख के अपनी क्लीयरेंस करते हैं जो कि आपकी सर्विस को खराब करता है। तो आपने इस तरह से अपनी सर्वर्स को कैरी नहीं करना है। जब भी सर्वर्स को कैरी करना है तो आपने हमेशा अपनी सर्वर्स को लेफ्ट हैंड साइड में होल्ड करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कैरी करना है। और इस तरह से आपने जो बैक साइड में अपने हाथ को रखना है और इस तरह से इसको होल्ड कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपको इस तरह से अपनी सर्वर को कैरी करना है। और जब भी आप अपनी क्लीयरेंस करते हैं तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड में इसको होल्ड करना है और राइट हैंड साइड से आपने गेस्ट की सर्विस करनी है। और जब भी आप गेस्ट की सर्विस करते हैं तो आपने गेस्ट की चेयर से थोड़ा सा दूरी को मेंटेन करना है ताकि आप गेस्ट की चेयर में टच ना हो। और जो भी क्लीयरेंस है वो आपको गेस्ट के राइट हैंड साइड से क्लियर करना है और जो कुछ क्लियरेंस होती है वो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले फर्स्ट स्टेप में सीख सकते हैं कि सर्वर को किस तरह से कैरी किया जाता है। ये बहुत ही इजी है बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको उसको इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड स्टेप है, इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं जो भी क्लियरेंस है। आप जब भी इसके ऊपर कोई भी फूड आइटम्स है आपका चाइना बॉर्न की जितनी भी आपकी क्रॉकरीज है उसको होल्ड करते हैं इसके ऊपर या रखते हैं किस तरह से इसको रखना है या आपकी जो ग्लासेस है, तो आप जब भी ग्लासेस रखते हैं तो आपने ग्लासेस को हमेशा फर्स्ट ग्लास को सेंटर में रखना है ताकि इसका जो बैलेंस है वो मेंटेन है। आपने कभी भी ग्लासेस को फर्स्ट जो क्लियरेंस होगी वो आपने लेफ्ट या राइट एक तरफ को नहीं रखना है ताकि आपकी सर्वर अनबैलेंस ना हो जाए। तो जब भी आप क्लियरेंस करेंगे तो फर्स्ट आपने इसको सेंटर में रखना है ताकि इसका बैलेंस बना रहे और इस तरह से कैरी करना है और इस तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे है सर्वर को कैरी करने का कि सर्वर को किस तरह से कैरी किया जाता है। जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस में या तो भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जब आप सर्वर को इस तरह से कैरी करना शुरू करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप इसमें जितनी भी क्लियरेंस है या ज्यादा क्लियरेंस उठाने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी सर्वर को कैरी कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं तो आप किसी भी तरह से अपनी सर्वर को कैरी कर सकते हैं। आप इस तरह से भी अपनी सर्वर को कैरी कर सकते हैं, टू फिंगर्स में या थ्री फिंगर्स में आप अपनी सर्वर्स को कैरी कर सकते हैं। अब इस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आप किसी भी तरह से अपनी सर्वर को कैरी कर सकते हैं गेस्ट के सामने या उनकी क्लियरेंस करने के लिए। तो ये आपके बहुत ही इजी वे थे, दो तीन स्टेप थे कि किस तरह से आप अपनी सर्वर को कैरी करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो चलिए वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। और फिनिश करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जहां पर हम आपको सिखाएंगे कुछ और अलग सी चीजें जो आपके रेस्टोरेंट में ड्यूरिंग द सर्विस आपके काम आएगी। तो थैंक यू सो मच।